दोस्तों नमस्कार। लास्ट क्लास के अंदर हमने C++ स्टार्ट किया था। हमने जस्ट C++ के कंसेप्ट की बात की थी। हमने कहा था कि जो C++ है दिस इज नॉट एडवांस वर्जन ऑफ C। इसके अलावा C++ बल्कि कंप्लीट डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम, प्रोग्रामिंग अप्रोच को काम में लेता है। हमने बात की थी कि जब हम सी के अंदर बात करते हैं तो हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात करते हैं, जबकि C++ के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करते हैं। हमने बात की थी कि C++ और सी के अंदर जो प्रोग्रामिंग अप्रोचेज हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेज हैं, है ना, क्या किस किस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये तमाम बात हमने लास्ट क्लास के अंदर की थी। इसके बाद हमने बात की थी कि क्या बेसिक डिफरेंसेज हैं दोनों अप्रोचेज के अंदर, उनकी हमने समराइज किया था। दोस्तों इसके बाद हमने बात की थी कुछ एक जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेज की हमने डिटेल में बात की। हमने कहा था कि एनी रियल लाइफ एंटिटी विच इज हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी, एनी रियल लाइफ एंटिटी विच इज हैविंग इट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ये तीन चीजें जिसके अंदर है, आइडेंटिटी जिसके अंदर है, आइडेंटिफिकेशन जिसके अंदर है, प्रॉपर्टी जिसके अंदर है एंड बिहेवियर पार्ट जिसके अंदर है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। सेम टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, जो ब्लू प्रिंट है, उसको हमने क्लास का नाम दिया था। ऑब्जेक्ट के बाद हमने डिस्कस किया था कि एक जैसे जो ऑब्जेक्ट्स का जो ब्लू प्रिंट है दैट्स ए क्लास, उसको हमने क्लास कहा था। इसके बाद दोस्तों आगे हमने बात की थी कि जो एब्स्ट्रैक्शन है, एक फीचर हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। हमने कहा था कंसर्निंग अप टू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज एब्स्ट्रैक्शन, एक बार में एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की जब हम बात करते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कंसर्निंग अप टू अ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एट ए टाइम, एक बार एक लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी की एक बार में बात करना, उसके नेक्स्ट लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी की नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पॉइंट लिया था, हमने नेक्स्ट फीचर जो लिया था, हमने एनकैप्सुलेशन की बात की थी। हमने कहा था बाइंडिंग डेटा मेंबर्स एंड ऑपरेशंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन, जिसके अंदर की हम उस कंसेप्ट की बात करते हैं जिसके अंदर डेटा एंड ऑपरेशन द मेथड उनको एक बंडल के अंदर, एक यूनिट के अंदर बांध लेते हैं। हमने एनकैप्सुलेशन के साथ में बात की थी कि डेटा हाइडिंग एक कंसेप्ट है। डेटा हाइडिंग से हमारा मतलब है कि जो एक बंडल के अंदर जो डेटा है, एनकैप्सुलेटेड जो डेटा है, वो आउटसाइड द वर्ल्ड से डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो, जिसे हम एक्सेस नहीं करवाना चाहे। एनकैप्सुलेशन बेसिकली आप जो कैप्सूल, दवाई के कैप्सूल की बात करते हैं ना, वो कंसेप्ट आपका एनकैप्सुलेशन ही है। आप देखते हैं दो तीन तरीके की दवाई आपके कैप्सूल के अंदर पैक है और वो जो बाहरी एनवायरमेंट है, आपके मॉइस्चर हो सकता है, आपकी फिंगर हो सकती है, सॉरी, उन सबसे कोई इफेक्ट नहीं रखता है। तो इसी तरीके से एनकैप्सुलेशन की और डेटा हाइडिंग की बात करते हैं कि डेटा जिसे हम नहीं चाहते वो डेटा बाहर से एक्सेस ना हो, दैट इज डेटा हाइडिंग। ठीक है दोस्तों, डेटा हाइडिंग के बाद, एनकैप्सुलेशन के बाद एक चीज जो हमारे पास आती है दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटिंग फीचर्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस, एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में इनहेरिट करना, एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में इनहेरिट करना, दैट इज इनहेरिटेंस। हम कह रहे हैं एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में इनहेरिट करना, ये इनहेरिटेंस है। कैसे इनहेरिट करना सर? जैसे हमने कहा कि कोई व्हीकल है, हमने कहा साहब कोई व्हीकल है, व्हीकल के अंदर क्या होगा, व्हीकल का कोई मॉडल होगा, व्हीकल का कोई नाम होगा, कार, जीप वगैरह वगैरह, ठीक है, व्हीकल का कोई ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है, व्हीकल की कोई प्राइस होगी, मान के चले चार फीचर्स हैं। अब क्या हुआ सर, व्हीकल हमने कहा कि हमारे पास है फोर व्हीलर के अंदर क्या होगा सर, फोर व्हीलर के अंदर इसकी अपनी डिटेल्स होंगी,
लेकिन व्हीकल वाली सारी डिटेल्स तो इसमें भी होंगी। हमने कहा हमारे पास है कोई क्लास टू व्हीलर, अब क्या सर टू व्हीलर के अंदर भी ये सारी चीजें तो होंगी होंगी। तो जब मैं फोर व्हीलर की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं व्हीकल वाले सारे फीचर्स इसमें आ जाएं, मैं व्हीकल वाली सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा हूं, दैट इज इनहेरिटेंस। व्हीकल वाली सारी चीजों को मैं अपने साथ में रख रहा हूं, दैट इज इनहेरिटेंस। ये जो क्लास है जिसके फीचर्स को मैं इनहेरिट कर रहा हूं इसे कहते हैं सुपर क्लास या बेस क्लास, इन्हें कहते हैं सब क्लास या डिराइव्ड क्लास, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है एक क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करने पर, एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में इनहेरिट करने को हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। ठीक बात है। देखिए सर हमारा जो वर्ड मीन है जो आपके नोट्स के अंदर जो पीपीटी में है एक बार पढ़ लेते हैं, लेटर ऑन अगर आप इसको वापस से पढ़ते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। इनहेरिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए क्लास फ्रॉम सुपर क्लास और सब क्लास, किसी सुपर क्लास और बेस क्लास, सॉरी सुपर क्लास या बेस क्लास से फीचर्स को इनहेरिट करने को इनहेरिटेंस कहते हैं। सिंपलेस्ट वन, इनहेरिटिंग ए क्लास डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी चेंजेस इन द बेस क्लास और सुपर क्लास। भाई यहां पर अगर मैं अपनी फोर व्हीलर क्लास बना रहा हूं तो इससे व्हीकल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, व्हीकल तो जो है वही है, मैं तो केवल उसके फीचर्स को अपने साथ में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। ठीक है भैया। द डिराइव्ड क्लास सब क्लास हैज ए लार्जर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर एज कंपेयर टू द बेस क्लास, क्योंकि सुपर सब क्लास के अंदर क्या है अपने तो है ही और सुपर क्लास से भी आ रहे हैं। ठीक है ना। तो सब क्लास के अंदर, इनहेरिटेड क्लास के अंदर, सुपर क्लास से भी आ रहे हैं और अपने तो है ही है, मतलब ज्यादा फीचर्स हैं। ओके चलें आगे, चलिए आगे। जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं यहीं पर इनहेरिटेंस को हम सामान्यतया जो जो कैटेगराइज करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कहीं कहीं पर हिरारिकल भी हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन ये सारा हिरारिकल या जो भी नेटवर्क जो भी आप बात करते हैं कुछ बुक्स के अंदर डिफाइन है वो बेसिकली इन तीन से मिलकर बनता है। बेसिकली जो इनहेरिटेंस को हम डिफाइन करते हैं वो तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मैंने कहा कि एक व्हीकल है, इस व्हीकल को, इस व्हीकल के फीचर्स को एक कार इनहेरिट कर रही है। मेरी एक क्लास से जो कि एक सुपर क्लास को इनहेरिट कर रही है, दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। एक क्लास है जिसे हम कह रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। मेरे पास हो सकता है कोई पर्सन ऐसा है जो एम्प्लॉय भी है और स्टूडेंट भी है, तो उसके अंदर एम्प्लॉय के फीचर्स भी हैं और स्टूडेंट के भी हैं। एम्प्लॉय का क्या होगा सर, कोई एम्प्लॉय नंबर होगा, हो सकता है उसकी कोई सैलरी होगी, उसकी कोई डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। इसी तरह स्टूडेंट का क्या होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर होगा मान के चले, उसकी कोई क्लास होगी जिसमें वो पढ़ रहा है। कोई पर्सन है जो कि मान के चले लॉजिक पेज के अंदर है, लॉजिक पेज का स्टूडेंट भी है और लॉजिक पेज का एम्प्लॉय भी है,
तो उस पर्सन के अंदर इन दोनों के फीचर्स होंगे। अगर हम आगे चले, हमने कहा भाई मेरे पास कोई पर्सन है, इस पर्सन के अंदर एम्प्लॉय के फीचर्स भी आ गए और स्टूडेंट के फीचर्स भी आ गए, और ये जो मेरे पास है इसे मैं कहूंगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस से मतलब है एक से अधिक क्लास को, क्लासेज को एक साथ इनहेरिट करना, एक से अधिक क्लासेज को एक साथ इनहेरिट करना, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मेरे पास जो पर्सन क्लास है ये एक साथ एम्प्लॉय और स्टूडेंट दोनों क्लासेज को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, राइट। तो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। और आगे चलते हैं सर, अगर सपोज मैं कहूं मेरे पास कोई व्हीकल है, मेरे पास कोई व्हीकल है और व्हीकल को इनहेरिट कर रहा है फोर व्हीलर, और फोर व्हीलर को इनहेरिट कर रहा है सपोज कार, फोर व्हीलर भी कई तरीके के हो सकते हैं, और कार को इनहेरिट कर रहा है सपोज मारुति कार, मारुति कार, क्योंकि मारुति कार के कुछ अलग फीचर्स हैं, हो सकता है। व्हाट दिस इज, दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस मेरे पास है, मल्टीपल इनहेरिटेंस मेरे पास है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मेरे पास है, और इन्हीं से मिलकर और कई इनहेरिटेंस मिलते हैं, जैसे हायरार्किकल हमारे पास है ना। जैसे मैं कहूं यहां तक तो ठीक है, लेकिन सपोज मैं कहूं सर फोर व्हीलर जो है उसका एक टायर क्या है, जीप है, जीप है ना। इसी तरीके से जीप के अपने हो सकते हैं से महिंद्रा की जीप है या आपके और किसी कंपनी की जीप है। व्हाट दिस इज, दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। सी प्लस प्लस इसे सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस इसे सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस इसे भी सपोर्ट करता है, प्लस सी प्लस प्लस इन तीनों को सपोर्ट करता है। हालांकि मल्टीपल इनहेरिटेंस को जब सपोर्ट करता है तो हम कहते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी डेवलपमेंट की प्रोग्राम की बढ़ जाती है, प्रोग्रामिंग की कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस से। लेकिन C++ उन सभी को सपोर्ट करता है और जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उनका सॉल्यूशन भी देता है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको देता है। तो जैसे क्लास हायरार्की अगर हम देखते हैं, हमने कहा एक अकाउंट क्लास हमारे पास है, दो क्लासेज हैं सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट जो कि अकाउंट को इनहेरिट करती है। हमने कहा व्हीकल क्लास हमारे पास है, वी हैव थ्री टाइप ऑफ व्हीकल्स, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर। टू व्हीलर को फिर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, स्कूटर एंड बाइक। थ्री व्हीलर में अभी हमने डिवाइड नहीं किया है, और फोर व्हीलर को फिर आपने कार, बस वगैरह वगैरह में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से ये क्लास हायरार्कीज हैं जिनकी की हम बात करते हैं, जो कि इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम काम में लेते हैं। ऑल्दो अभी हमने एग्जाम्पल में लिया था उससे चीजें क्लियर हो गई होंगी, वरना इन हायरार्कीज से भी आपको काफी कुछ हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर हमारे पास आता है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म से हमारा मतलब है कि आपने किसी काम को करने के लिए एक समान इंटरफेस आपने प्रोवाइड कर दिया, एक से अधिक कामों को करने के लिए, या मैं सीधे सीधे कहूं एक नाम से या एक इंटरफेस के द्वारा एक से अधिक कार्य करना, एक से अधिक कार्य करना, वो आपके क्या हो गए सर, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म से हमारा मतलब है एक ही नाम से एक से ज्यादा काम करना,
तीन कैटेगरीज के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिवाइड करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग। एक एक की बात करते हैं सर। हमने कहा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सपोज मैं कहूं मैंने सी पढ़ा है, स्ट्रक्चर बनाया कोई, मैंने कहा स्ट्रक्ट मेरे पास है से डेट, हमने कहा स्ट्रक्ट डेट के अंदर तीन मेंबर्स हैं डी वन डी एम वन एंड सपोज वाई वन। मैंने कहा डेट टाइप के आपके पास है स्ट्रक्ट डेट डी वन या डेट वन एंड डेट टू। कहीं पर सपोज मुझे लिखना पड़ा डेट वन के तीन दिन आगे डेट वन प्लस तीन, तो क्या ये काम करेगा सर? नहीं करेगा। अगर प्लस ऑपरेटर से हम दो इंटीजर्स को जोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन स्ट्रक्चर में इंटीजर को थोड़ी जोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं सर, काम तो करना चाहिए। जब काम करना चाहिए तो इस प्लस ऑपरेटर को आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, प्लस ऑपरेटर को हमें डेट के लिए पुनः परिभाषित करना होगा, डेट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो किसी ऑपरेटर को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए रीडिफाइन करने को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं, ऐसे तमाम चीजें हो सकती है। आपको कहीं पर आवश्यकता पड़ी, आपने कहा भैया दो डेट्स के बीच में आपको निकालना है कितने दिन निकलते हैं, दो तारीख बता दी और दोनों तारीखों के बीच का डिफरेंस निकाल दिया, लेकिन माइनस ऑपरेटर से दो डेटों को थोड़ी डिफरेंस कर, एक से दूसरे को थोड़ी घटा सकते हैं, तो इस माइनस ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, वापस से परिभाषित करना पड़ेगा, और इससे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहेंगे। रीडिफाइनिंग एन ऑपरेटर, फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हालांकि हर एक ऑपरेटर को हम रीडिफाइन नहीं कर सकते, देर आर सर्टेन ऑपरेटर्स जिनको, जो कि आपकी लिस्ट में एक्सक्लूसिव लिस्ट में दे रखा है कि भाई इन ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। लेटर ऑन जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे तो हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो आपका है पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देन आपके पास आता है मेथड ओवरलोडिंग, राइटिंग मोर देन वन फंक्शंस, एक ही नाम से एक से ज्यादा फंक्शंस को बनाना। एग्जांपल देखते हैं सर, सपोज आपको दो इंटीजर्स को ऐड करना है, तो आपने एक फंक्शन बना दिया इंट ऐड टू इंट और आपने दो इंटीजर पास कर दिए, है ना, ये आपका एक फंक्शन हो गया। एक दूसरा फंक्शन फिर आपको चाहिए था, नहीं सब तीन इंटीजर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बना दें ऐड थ्री इंट, आपने कहा इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, फिर आपने कहा सर मुझे दो फ्लोट को ऐड करना है, क्या करूं सर, इंट फ्लोट सॉरी ऐड टू फ्लोट फ्लोट ए फ्लोट बी, तो आपने तीन फंक्शंस बना दिए, तीनों के नाम इस तरह से लिख दिए। सपोज इस तरीके से मुझे 50 फंक्शन बनाने, तो क्या करूं, 50 फंक्शंस बनाओ, 50 तरीके से ऐड करना है, तो नो दैट्स नॉट गुड थिंग। क्या हो सकता है भैया, ये मेरे पास फीचर होना चाहिए कि मैंने एक फंक्शन बनाया से दिस इज ए, सपोज मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया इंट से ऐड, मान के चले इंट ए इंट बी, और अगर दो तीन इंटीजर को ऐड करना है तो अगेन आई यूज द सेम नेम इंट ऐड इंट ए इंट बी इंट सी, और चार को ऐड करना है तो चार, तो फंक्शन का नाम क्या है, सेम है, एक से ज्यादा फंक्शन एक ही नाम से लिखने को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। नाउ हाउ विल वी डिफरेंशिएटेड बाय द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स।
जैसे हमने यहां पर कॉल किया सर एड सपोज 5 10, हमने कॉल किया एड 5 10 20, हमने ऐड किया सर एड 2.35f and 6.9f सपोज। इस केस में कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? 2 इंटीजर वाला। इस केस में 3 इंटीजर वाला। इस केस में 2 फ्लोट वाला। सो वी कैन यूज द फंक्शंस मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक बात है सर। और एक बात, यहां पर रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं होता। देयर इज नो रोल ऑफ रिटर्न टाइप। ठीक है, तो ये आपके पास है मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। होप 100% क्लियर, नो इश्यू अप टू दिस पॉइंट। चलिए आगे, आपके पास है नेक्स्ट मेथड ओवरराइडिंग। सुपर क्लास के फंक्शन, सुपर क्लास में जो फंक्शन है उसी नाम और उसी नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर से सब क्लास में फंक्शन बनाने को हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। कैसे सर? जैसे आपने कहा एक क्लास आपके पास है, से ये क्लास है, इसके अंदर आपने एड फंक्शन बना दिया इंट एड से। आपने कहा 2 इंटीजर इसमें पास होते हैं, ए इंट बी, ये पास होते हैं। और मान के चले ये कोई क्लास है ए, हमें पता है ये क्या है सर, सुपर क्लास है, अभी तो अपन पढ़ के आए इनहेरिटेंस में। एक दूसरी क्लास है जो कि इसको इनहेरिट कर रही है और इसके अंदर भी मैंने सेम फंक्शन बना दिया इंट ए इंट बी से। ये मान के चलो बी क्लास है और सब क्लास है, तो बी क्लास के अंदर आपने उसी नाम से फंक्शन बनाया जिस नाम से ए क्लास में फंक्शन है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो सेम। दिस इज फंक्शन ओवरराइडिंग। रीडिफाइनिंग सुपर क्लास फंक्शन और रीराइटिंग सुपर क्लास फंक्शन विद द सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर। सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर, सिग्नेचर से मतलब है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। राइट बच्चों, ये आपके पास थे वो फीचर जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट से रिलेटेड थे। कुछ और फीचर्स की अपन बात करते हैं, जैसे परसिस्टेंस। परसिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेव करना, जेनरिसिटी डेटा टाइप इंडिपेंडेंट क्लासेस बनाना। लेकिन ये जो चीजें हैं ये इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको समझ में नहीं आएंगी, जैसे जैसे अपन काम करेंगे तब हम इनको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये जनरल जो फीचर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वो हमने बात की है, और बहुत सारी चीजें हैं कैसे इंप्लीमेंट होती है, एब्स्ट्रैक्शन कैसे इंप्लीमेंट होगा, एनकैप्सुलेशन कैसे इंप्लीमेंट होगा सब, डेटा हेडिंग कैसे अचीव होगी, इनहेरिटेंस हम कैसे करेंगे, जब हम दो क्लासेज को इनहेरिट कर रहे हैं दोनों में एक मेंबर है तो इसमें कौन सा आएगा, ऐसी बहुत सारी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आपके दिमाग में आ सकती हैं। जैसे जैसे हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे वैसे वैसे चीजें आपकी क्लियर होंगी। ये हमने केवल कंसेप्चुअल बात की थी, थ्योरेटिकली समझने का प्रयास किया था कि जो हमारी प्रोग्रामिंग पैराडाइम में जो डिफरेंस है, प्रोग्रामिंग अप्रोचेज में जो डिफरेंस है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो डिफरेंस है वो क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही तक रखते हैं, यहां से आगे अपन फिर चलेंगे। नमस्कार।